जीरोज और पोलिनोमियल। अच्छा ओके, इसमें आपको कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। सॉरी मैंने थोड़ा स्पीड ली है। मैंने यही डिफाइन किया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसके इक्वल्स टू हमने जीरो लगा दिया है तो वो बिकम्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और मैंने यहाँ आपको दिखा भी दिया है कि इस फंक्शन के आगे। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं जीरोज। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसी बच्चे को अगर कोई कुछ पूछना है तो पूछिएगा। कोई डाउट है यहाँ तक फंक्शन और इक्वेशन में तो आप बेशक पूछ सकते हो। चलो देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रूट्स आर द वैल्यू ऑफ अक्स, मैं लिख देता हूं, साथ साथ लिख लीजिएगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड जीरोज आर द वैल्यू आर द वैल्यूज ऑफ अक्स फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं सिर्फ समझा दूंगा कि इट इंप्लाइड दैट वी यूज रूट्स फोर इक्वेशन एंड जीरोज फोर पोलोनोमियल फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने नोट कर लिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि जीरोज और पोलोनोमियल्स है ना, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ अक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड जीरोज आर द वैल्यूज ऑफ अक्स विच पोलोनोमियल बिकम्स जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इक्वेशन होगी उसके रूट्स होंगे और जो आपके पोलोनोमियल फंक्शन होगा उसका जीरोस होगा। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना आपके। तो एग्जांपल देख लीजिएगा कि एग्जांपल देख लीजिएगा कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ जिसमें पोलोनोमियल फंक्शन के भी लेता हूँ। अच्छा चलो, ये पोलोनोमियल फंक्शन है और ये पोलोनोमियल इक्वेशन है। ओके, और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, बस ये हमारा लास्ट आज। गुड मॉर्निंग, अब आँख खुली है आपके? अच्छा पहले ही आ गए थे। चलो देखते हैं। हाँ जी, एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ एफ ऑफ अक्स इक्वल टू अक्स स्क्वायर माइनस का 5x+6, और यहाँ मैं सेम ले रहा हूँ अक्स स्क्वायर माइनस का 5x+6 इक्वल टू जीरो। मैं ये बताना चाहता हूँ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक पहली चीज फंक्शन है। दूसरी बात, ये हमेशा जीरोस देंगे हमें, है ना? ये क्या देंगे? इसकी जो वैल्यू होती है ना, अक्स की जो वैल्यू होती है वो वैल्यूज हमें जीरोस देगी, है ना? जीरोज कहलाएगी। और
इसमें जो अक्स की वैल्यू होगी वो आपकी रूट्स कहलाएगी, है ना। अक्स की वैल्यूज का मतलब है दो वैल्यू, क्योंकि इसकी पावर टू है। जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही रूट्स और उतने ही जीरोस होते हैं। माइंड में डाल लीजिएगा कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही तो रूट्स होते हैं, उतने ही जीरोज होते हैं। अब सर आपने जीरोज और रूट एक साथ क्यों बोल दिया? जीरोज और रूट एक साथ इसलिए बोला है, मैंने पॉलिनोमियल का नाम लिया है, ना तो पॉलिनोमियल इक्वेशन का नाम लिया है और ना ही पॉलिनोमियल फंक्शन का नाम लिया है। तो मैंने ये बोला है कि जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं, उतने ही रूट होते हैं। सर क्यूबिक के क्या होगा? क्यूबिक इक्वेशन के थ्री रूट्स होंगे। अगर हम बाई क्वाड्रेट की बात करते हैं तो बाई क्वाड्रेट के फोर रूट होंगे। अच्छा अब एक बात बताइएगा कि सर आपने रूट की बात तो कर ली है लेकिन किस तरीके से देखेंगे? तो मैं ऐसे बोलूंगा कि हम चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। कैसे सर? मैं एक्स की वैल्यू अगर यहाँ वन रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर माइनस फाइव, वन प्लस सिक्स, के जीरो आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। सर ये कितना आ रहा है? फिर ये आ रहा है सिक्स सेवन, ये आ रहा है आपका टू, जो जीरो नहीं है क्योंकि इसके बराबर आना चाहिए। अगर मैं एक्स इक्वल टू टू रखता हूँ तो आप बोलिएगा कि टू का स्क्वायर माइनस फाइव, टू का स्क्वायर टू प्लस सिक्स, तो आप बोलिएगा फोर प्लस सिक्स टेन, और ये टेन यानी कि जीरो आ रहा है। तो ये एक इसका रूट हो गया, यानी कि एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू एक रूट है, रूट है। और यहाँ एक्स इक्वल टू हम थ्री करते हैं तो ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव मल्टीप्लाई थ्री प्लस सिक्स, ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, क्योंकि नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन होता है और ये फिफ्टीन होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक्स इक्वल टू थ्री भी क्या है? एक रूट है। तो आप बोल दोगे कि एक्स के जो एक्स इक्वल टू टू कोमा थ्री है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है? रूट्स हैं। सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वही क्वाड्रेटिक फंक्शन का जीरोज होता है। तो सर जीरोज का मतलब क्या हुआ? मैं बोलता हूँ एक्स इक्वल टू, जिस दिन तुम टू रखोगे ना उस दिन तुम्हारा एफ ऑफ टू जीरो आएगा। क्या आएगा? एफ ऑफ टू। रख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एफ ऑफ टू इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस फाइव मल्टीप्लाई टू प्लस सिक्स, ये हो गया फोर प्लस सिक्स टेन, माइनस टेन जीरो आ गया। एक्स इक्वल टू थ्री रखिएगा तो एफ ऑफ एक्स थ्री हो जाएगा, और मैं बोलता हूँ कि वो भी जीरो आना चाहिए। तो रखते हैं एक्स इक्वल टू थ्री, तो हो जाएगा एफ ऑफ थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव मल्टीप्लाई थ्री प्लस सिक्स, थोड़ी देर पहले देखा था जीरो है। तो यहाँ एक्स की जो वैल्यू है टू कोमा थ्री वो क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन के जीरोज हैं। क्या है? जीरोज है।